वेलकम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप तो खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, हाय, बढ़िया। हम लोग पहुंच गए दावत में। ये ले भैया, मेरी बड़ी आंटी है और मम्मा है। मम्मा क्या कर रही है? बड़ी बड़ी बहन मेरे साथ। अब हम लोग पहुँच गए हैं और वेटिंग हो रहा है, वेट हो रहा है उन लोगों का जो अभी तक नहीं आए। ड्रेस ये मेरी भाभी के साथ। वो देखियो, अभी मैं आपको एक हाँ भाभी को देख ले चाइनीज गुड्डा दिखाती हूँ। ये रहा जैपनीज गुड्डा एलपी, और हमारा एलपी लगा हुआ है अलमी एलवी अलमी। जरा सब जानते हैं कि मोबाइल का दीवाना है तो मोबाइल देख रहा है बीच में, और अभी काफी सारे बच्चे काफी सारे बच्चे की आने वाले हैं यहाँ पे, और अब बस भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और बस वेट हो रहा है कि जल्दी से सब लोग आ जाए और फिर दस्तखान लग जाएगी कि हमारी आज दावत है। और बिल्कुल टाइम पे टाइम पहुँचे, जरा भी जल्दी नहीं आया। अगर जल्दी आ जाते फिर वेट करते। लग रही है आपको भूख? थोड़ी थोड़ी सी तो लग रही है। लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, ऐसी कह रही लग रही है। भूख लग रही है, भूख लग रही है, बहुत तेज लग रही है। फर्स्ट वाला जो था वो तो बस ऐसे ही मम्मा ने शौक में बनवाया था, ये मैंने खुद बनवाया है और मम्मा मेरे लिए वेटिंग पे खड़ी हुई है। जो भी कुछ करती हूँ मैं अपनी मम्मा के साथ ही करती हूँ, और मेरा बैंक अकाउंट जो है वो बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमें सच में एक डेढ़ घंटा लग गया मम्मा और मैं, बहुत देर लगती है बैंक वगैरह के कामों में। और बस अब ATM से कुछ काम है हमारा, और पहले मैंने क्योंकि पहले मतलब जो अकाउंट था वो तो मेरा बंद हो गया था, मैंने करवा दिया था बंद। वो तो मम्मा ने अपने शौक में बनवाया था, लेकिन अब जो है वो मैंने मम्मा को बोल के बनवाया कि मम्मा मेरा अकाउंट बनवा दो। भाई मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरा अकाउंट होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन परेशानी नहीं, बहुत और बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ। लेकिन बस ज़्यादा मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं की है, क्योंकि बैंक का माहौल जो होता है बड़ा सीरियस सीरियस होता है, अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ पर करती तो बट थोड़ा बहुत तो देनी थी कि माँ, मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरा अकाउंट बन रहा है। चले अब नीचे जाके देखते हैं, होटल बना हुआ है हमें फैमिली हॉल यहाँ पर। अच्छा, अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि भूख लग गई है, बहुत देर हो गई। हम सुबह जल्दी जल्दी में आ गए थे मम्मा में, अब हम कुछ खाते हैं क्योंकि खुशी में मम्मा को ट्रीट देने के लिए लेके आई हूँ। मम्मा देखो भाई क्या मंगवाना है आपने, आज फर्स्ट टाइम है मम्मा को ट्रीट है मेरी तरफ से। आप ही को भी देनी है, भाभी वगैरह को भी देनी है, अब उनके साथ जब आऊँगी तब उनको, अभी सिर्फ मम्मा को। ये देखें, ये मानो भी हमारे साथ डिनर करने सॉरी लंच करने आई है, और कहीं पर भी जाऊँ मैं मेरे फैलो के जैसा कोई ना कोई ज़रूर दिख जाता है, और मुझे वैसे अपने फैलो की याद आती रहती है। और जब मुझे बिल्लियाँ दिखती हैं, मुझे बिल्लियों से वैसे ही बहुत प्यार हो गया है, बिल्लियों से नहीं मुझे सब जानवरों से ही बहुत ज़्यादा मतलब है प्यार। डर भी लगता है मुझे बहुत से, लेकिन ये है कि मैं उनके कभी कोई दर्द नहीं देख सकती। कोई गाय का कुछ चोट लगी होती है या किसी की भी कोई चोट लगी हुई, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों आप चेहरे के साथ ऐसा। लेकिन ये है कि मुझे डर भी लगता है इन जानवरों से, लेकिन बिल्ली से मैं पहले बहुत डरती थी। अब जब से फैलो और फैडी मेरी लाइफ में आया ना, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बिल्लियों से, लेकिन सिर्फ फैलो फैडी से नहीं डरती, बाकी तो सारी बिल्लियों से। कि सामने जो बिल्ली बैठी हुई इससे मुझे डर तो है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी सी मानो है, पर फैलो फैडी की अलग बात थी। डर तो हमारा आ गया है, लेकिन अभी मम्मा और मैं जो है यहाँ पे नहीं खा रहे। हमने सोचा है कि किसी के घर जाए, उनके लिए भी हमने ले लिया जिसके भी अब जाएंगे घर, और हम साथ में मिलके सब खाएंगे। आना अभी मम्मा ने कहा कि अभी मूड नहीं है, हम वहीं जाके खाएंगे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। साढ़े तीन, और हम यहाँ पर मैगी बनाने के लिए आए हैं। बिकॉज आज पूरा दिन जो है लाइट बंद थी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, आज बारिश हुई है तो मैं सारा टाइम अपने रूम में थी, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और अब जो है मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सोचा कि ना मैं मैगी बनाऊँ। और गनीमत है कि गैस आ रही है इस टाइम पर,
3:30 बज रहे हैं और गैस आ रही है, शुक्र है। चले मैं बनाती हूँ मैगी, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। मैगी हो गई मेरी रेडी और अब मैं इसे खाऊंगी। ये देखिए मम्मा मेरे लिए बाउल लेके आई थी, आज ही मैं इसमें खा रही हूँ सिर्फ गर्म हो गई। मम्मा और मैं रेडी हो गए और अब हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको रास्ते में बताते हैं। देन हम लोग हॉल के अंदर गए और वहाँ पर नाते वगैरह डेक में चल रही थी, सो जैसे मैंने आवाज़ जो है बंद कर दिया है। बहुत अच्छी रिस्पेक्ट से वेलकम किया मेरी फ्रेंड मरियम ने। यहाँ पर हम उसके पापा मम्मा को बुकेट एंड मिठाई वगैरह जो गिफ्ट कर रहे थे और पिक्चर वगैरह क्लिक करवा रहे थे। सो जल्दी जल्दी हम लोग, वैसे भी बहुत रश हो रहा था वहाँ पर। देन खाना भी बहुत अच्छा था, बिरयानी थी, कोरमा था और कस्टर्ड था, रोटियाँ बड़ी ज़बरदस्त थी, बिल्कुल पतली पतली सी, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा खाना था। जल्दी से हम लोगों ने वो लिया क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे। सबसे ज़्यादा ये था कि हम लेट बहुत ज़्यादा पहुँचे थे ना, तो मिलाद भी ख़त्म हो गया था, बट ये था कि मुझे उसने इन्वाइट किया था इतने दिल से, इतने प्यार से, तो मैंने जाना ज़रूर था। घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी और जल्दी जल्दी तैयार हुई। फिर बासित भी आ गया था। हॉल भी बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा हॉल लगा एंड इतनी गर्मी हो गई कि एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है और वहाँ पर एसी चल रहा था एंड मैं ऐसी लग रही थी, मेरा लुक जो था जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, बट फिर भी मिलाद के हिसाब से सॉफ्ट था। और ड्रेस मेरा, ये मैंने ड्रेस G2 से लिया था और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने आज ही ये वेयर किया है। बस अब हम लोग यहाँ से फ्री हो गए और जाने लगे हैं। सारी आवाज़ें बंद करनी पड़ेंगी, मुझे ऊपर से कॉपीराइट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी और सॉरी नाते चल रही थी तो कॉपीराइट लग जाता, इस वजह से मैंने बिल्कुल ही आवाज़ें बंद करके अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। बाद में वॉइस लगा के और हम जाने लगे हैं, लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं। होपफुली गाइस आप लोगों को ये इतने सारे व्लॉग आपस में ज्वाइन हुए हुए बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि मैं जो था पूरी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, बट जो जो मैं ऐड कर दिए हैं सारा कुछ, जो जो थोड़े बहुत व्लॉग्स थे मैंने सब इसी में ऐड कर दिए हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। और ये देखें मैंने रेमेडी मास्क लगाने के बाद ये रहे मेरे हेयर्स और मैंने इन पर कोई स्ट्रेटनर नहीं फेरा हुआ है और अभी काफ़ी देर हो चुकी है। मैं 3 बजे से रेडी हूँ, मेकअप भी वहीं का वहीं है और मेरे हेयर्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेट हुए हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स वाकई बहुत ज़बरदस्त था। जो इससे पहले आपको लिंक इसकी वीडियो में लास्ट में मिल जाएगा उसका, जो मैंने रेमेडी मार्क्स बनाया था समर रेमेडी हेयर का, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया और इसलिए मैं आप लोगों को इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ, तो आप लोग भी अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा था। सो गाइस हम ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।